इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले मैं इत्तेहाद न्यूज़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने जो नाम तश्कील किया है इत्तेहाद न्यूज़, ये वक्त की ज़रूरत है। ये एक इत्तेहाद कलमा गो भाइयों में होना है। ये शाफी है, ये हनफी है, ये है, वो है, इसमें लोगों को मत बांटो। ये बंटने का वक्त नहीं है, ये इत्तेहाद का वक्त है। सिर्फ तुम्हारी पहचान होना चाहिए कि ये कलमा गो है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये अल्लाह का बंदा है। अगर ये इत्तेहाद आ गया तो दुनिया में आज जो मसले हम देख रहे हैं, जो मसले दरपेश हो रहे हैं, उस मसलों का यही एक हल है। तो आज लोग जो है आपस में तकसीम हो रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। उसके बाद में ये सर्कल से आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक बात आना चाहिए कि हम सब इंसान हैं, आदम की औलाद हैं। ये दो चीज़ जो है अगर आ गए तो मुसलमानों में हो या हिंदूस में हो या क्रिश्चियंस में हो, तो सारी दुनिया का मसला हल हो जाएगा। तो आज ये प्रॉब्लम्स का मकसद ये है, कारण ये है कि ना हम रब को पहचाने, ना हम रब के बंदों को पहचाने, ना हम इंसानों को पहचाने, ना हम कायनात को पहचाने। अगर इंसान को अगर कोई पहचान लिया, अगर अपने रब को कोई पहचान लिया, तीसरा इस कायनात को अगर समझ गया, तो समझो कि सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा साल हो जाएगा। हम मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मोहब्बत, बरादरी और सच्चाई, ये जो है ये तुम्हारी तरक्की का ये एक फाउंडेशन है। हम तरक्की को ढूंढ रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, हम वो भाग रही आसमानों की तरफ। वजह क्या है? हम ये नहीं समझे, वननेस ऑफ गॉड को नहीं समझे, वननेस ऑफ यूनिवर्स को नहीं समझे, वननेस ऑफ गॉड को नहीं समझे। ये समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम आप करने निकले हैं, इत्तेहाद का काम। भाइयों, इत्तेहाद पैदा कर लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो ये काम आप कर रहे हैं, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक कि आपका सवाल है, आपने पूछा कि अकलियतों के लिए क्या कर रहे हैं। अकलियतों के लिए मेरे पास बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही बड़ा मिशन। जैसा मैं ये ओहदे को संभाला, तो मैंने 2020 का प्रोग्राम लाया। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, तो फर्ज बनता है कि पहले हमारे घर को सुधारो। हमारे घर को सुधारने के वास्ते मैंने एक मेरे विजन के तहत एक फार्मूला बनाया हूँ। तुम्हारे मस्जिद जो है सिर्फ इबादत गाह ना रहे, तुम्हारे मस्जिदों को जो है इबादत के साथ साथ जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बनाए। उस मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर भी हो, हमारे मसले वहीं हल हो, हमारे एडवोकेट्स हफ्ते में एक बार मिले, हमारा केस दर्ज हो। जहाँ तक कि कॉम्प्रोमाइज और काउंसलिंग है, वो काम जो है हमारी कौम का हम खुद करें। और दूसरा, हमारे मस्जिद का जो आहता है, उस आहते में सर्वे होना चाहिए। सर्वे में जो है कितने लोग रहते हैं, तीन हिस्सों में लोगों को तुम्हारे मस्जिद के आहते में रहने वालों को तकसीम करो। ये एक रिच क्लास जो बहुत ही मालदार है, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा जो है बीपीएल कार्ड होल्डर जो बोलते हैं बिलो पावर्टी लाइन,
उसके साथ साथ तुम्हारे सर्वे में मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे मस्जिद के अहाते में कितने डॉक्टर्स रहते हैं, कितने एडवोकेट्स रहते हैं, कितने पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, कितने लोग इस मोहल्ले के हमारी कौम के कॉरपोरेशन में काम करते हैं, म्यूनसिपालिटी में काम करते हैं, रेवेन्यू ऑफिस में काम करते हैं, कितने लोग ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करते हैं। बहुत ही कीमती बात बता रहा हूँ आपको। जब इसका सर्वे हो जाएगा तो उस मस्जिद को पूरी खबर रहेगी, हम मेरे मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं और किस किस ओहदे पे फाइज हैं। मस्जिद के अहाते में मस्जिद की जमात की कमेटी भी हो, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है सिर्फ रमज़ान बकरी 26वीं को नहीं, हर दिन जो है 10 से लेकर 12 बजे तक वहाँ ऑफिस में जैसा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैठता है उस तरह आकर बैठा करें। शिकायतें आती हैं, साहब मेरी माँ बीमार है, वो कैंसर की शिकार है, उसका इलाज होना है। अरे थोड़ा रहो, तुम्हारे मोहल्ले के डॉक्टर को अगर फ़ोन करके पूछे हमारे मस्जिद के मोहल्ले का आदमी है, उसकी माँ बीमार है तो परेशान है, एक डॉक्टर को कम से कम जो है 1000 डॉक्टर से ताल्लुकात रहते हैं। अरे रहो, मैं की दवाई को बात करूंगा, कैंसर हॉस्पिटल को बात करूंगा, इमीडिएट फ़ोन लेगा उस इंसान को, मेरे पास भेज दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। कॉरपोरेशन में कोई आपको जो घर का प्लान सैंक्शन करवाना है, देखो बच्चा हमारा परेशान है, ज़रा देखो सर, अरे मेरा आदमी है, मैं करादवाद बोलूँगा। और एक आदमी आएगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, उसको बोलो, सारों से ताल्लुकात रहते हैं, तुम्हारे पौने प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ये मस्का घर में रख ले को, तुम घी की तलाश में क्यों पड़े हो, तुम पिघला उस मस्के को। ये तरीका होना चाहिए। और हमारे मस्जिद के आते के अंदर जो है बराबर की ऑफिस हो, पाकी सफाई हो, जाकर देखो किसी मस्जिद के बैतुल खुला में हाथ धोने के लिए सोप का इंतज़ाम नहीं है। हाउसेस को हटाने के लिए मैं कहा हूँ, हाउसेस से बीमारी बढ़ती है। हाथ जो है बाहर से लाते हैं, उसी हाथ जो है पानी में धोते ही गली गिलाजत वहाँ जाती है, जरासीम वहाँ पे जाते, दूसरा आदमी आकर उसको कुल्ली करता है, नाक छिने कर वो हाथ डालता है। मैं सबको, मैंने पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को गुजारिश की कि पहले इसको निकाल के टैप्स लगा दो। और हमारा बैतुल माल हो, पहली खबर मोहल्ले में किसी की मौत हुई तो वो खबर मस्जिद को आना चाहिए, मस्जिद में बाकायदा रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाए, फलाने आदमी का इंतकाल हुआ है, उसका अनाउंसमेंट करवा दो। बहुत ही गरीब आदमी है तो उसके कफन का इंतज़ाम करो। तुम्हारे मोहल्ले का आदमी बाहर कहीं जाकर गोवा या किसी और प्लेस में जाके जो है एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो गई, वहाँ एक कमेटी आपके जैसी काम करती रहती है, उस मस्जिद की कमेटी वालों को कॉन्टैक्ट करो, वो खड़ के पूरा इंतज़ाम करके उसका पोस्टमार्टम करवा के बाड़ी आप यहाँ भेज दो, भेजेगा वो। ये काम करना है सर, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात काम बता के गया है हमको, हम उनका सबक भूल गए हैं। सारे फैसले मस्जिद नबी में हुआ करते थे, ये फैसला तुम करो, तुम्हारे पास हल है, फिर हल की तलाश में क्यों जाते हो तुम। और वहाँ पे तुम्हारे मस्जिद का आता है, आने वाले नए मस्जिद जो आते हैं थोड़ा एरिया ज़्यादा लिया करो, वहाँ पर जो है उस आते में तबलीग जमातें भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, मुसाफिरों के लिए एक डॉर्मेंट्री भी बनाया करो, उनके लिए एक बैतुल खुला भी हो, उनके लिए एक बावर्ची खाना भी हो। पहले के ज़माने में आपको मालूम नहीं, 18 कचहरी बोल के थी, आप सुने ही 18 कचहरी, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर तालुका हेडक्वार्टर में 18 कचहरी के माने ये हैं कि 18 ऑफिसर्स गवर्नमेंट के एक ही छत के नीचे रहते थे। मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका में देखा, आज भी वो सिस्टम बाकी है, वो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए तुम्हारे मस्जिद में पूरे प्रॉब्लम्स वहीं साल, नमाज भी वहाँ पर हो, ऐसा लगे कि मस्जिद को देखते ही ये हमारे मस्जिद का कॉम्प्लेक्स, वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अजान भी हो रही है। और एक बेलगाम वालों को ख़ास बात बताऊँ मैं, इसकी पब्लिसिटी करते हैं तो पूरे बेलगाम में, बोला अजीम साहब का ये सजेशन है, तुम्हारे यहाँ के मैं ये बात
वक्फ बोर्ड को बोलने वाला हूँ। हमारे मस्जिदों में अजान जो दी जाती है उसमें जो तरन्नुम होना चाहिए वो नहीं है। बोल दो, बोलो, पुकार पुकार के बोलो तुम्हारे इस चैनल से। अजान की ट्रेनिंग हो हमारे पास, ऐसी अजान हो हजरत बिलाल जो अजान देते थे, वो अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद को नहीं जाने वाला भी दिल चाहता है कि चलो, अल्लाह की पुकार आ रही है, दावत दे रहे हैं, मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही है, रोंटे खड़े हो गए हैं, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ रहा, नमाज नहीं पढ़ने वाला भी नमाज की तरफ रुजू हो जाएगा। यहाँ इंतज़ाम करो, इतने लोग हैं, एक अच्छे नमाज अजान की ट्रेनिंग देने वालों को इसे वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी किसी जमात वालों ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखो, उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दिए तो बस है, अलग अलग मस्जिद उन्हें बुलाओ, 8 दिन 10 दिन रखो, उनका खर्च देखो, रहने सहने का खर्च उठाओ, ये काम करो। बेलगाम से काम शुरू होना चाहिए। बहुत सही, उसका खर्च में देने का, क्या बात, शायद किसी ऑफिसर ने ये बात नहीं की। ये काम करो, अल्लाह से दुआ है कि आप अच्छा काम शुरू किए हैं। न्यूज़ का देना, न्यूज़ का कलेक्ट करना ये भी इबादत है। अल्लाह आपको तरक्की देवे और आपके न्यूज़ चैनल से लोगों की खिदमत हो और लोग मज़हब की तरफ मायल हों और लोगों को आप जो है गलत राह से रोक भी सकते हैं। लोग जो हैं जो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, आज उसे टेररिज्म का नाम दिया है, ये नाम दिया है, वो नाम दिया है, पुकार के कहो कि मुसलमान जो है टेररिस्ट नहीं बन सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिर्फ भाईचारगी और अमन के पैगाम के लिए भेजा था। हम भी ये काम करेंगे, अमन की दावत देंगे, भाईचारे की दावत देंगे। हम कभी जो है मुसलमानों में छोटे मोटे जो फ़िरक़े हैं उनमें मुसलमानों को नहीं बांटेंगे। और जब दुनिया का सवाल आता है, हिंदुस्तान का सवाल आता है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चन ईसाई सिख ईसाई, उनमें हमें हिंदुस्तानियों को नहीं बांटेंगे। हम सब हिंदुस्तानी, ये दावत दो, मसला हल हो गया, हम सब खुश रहेंगे। जितने दिन हयात अल्लाह ने बख्शी है वो हयात इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ अमन के साथ रहते हुए एक दिन इस दुनिया को गुड बाय करके अल्लाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया। सोच के वो कदम उठा रहे हैं, इसके लिए हम परसों ही हमारे अभी दशमत पाड़ी भी आ रहे हैं, अभी एक्चुअली वो शादी के लिए उन्होंने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला बताया नहीं था, नहीं तो आज वो मीटिंग ये मीटिंग के लिए उन्होंने आने वाले थे। अभी नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा भी जमा कर रहे कि सब लोग आपके तबका आ जाए, क्योंकि उन वो लोगों की क्या सोच है, उन लोगों की सोच क्या है, कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कैसा, क्योंकि अभी इतना एक बार बच्चे जब वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कैसे एसएससी सर्टिफिकेट मिलो, पीयूसी सर्टिफिकेट मिलो, क्या क्या करना चाहिए, उसे रेगुलराइज क्लासेस चलना चाहिए, वो सब कुछ क्या करना चाहिए, उनके तरफ से भी सुझाव लेंगे। सबका सलाह लेकर हम वो एक क्रोडीकरी बंदो पॉकेट में ले, एक पॉकेट में डाल लेंगे, तब जाके हम एक बंच ले जाके प्रेजेंटेशन करेंगे, तो तब बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो जाएगा। तो ये काम करने के लिए हम लोग चल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सबका साथ भी हमें चाहते रहते हैं। तो उस सिलसिले में आज खास तो उठा के मेरे ज़िले को, जो ये मेरा वतन है, मेरे ज़िले के लिए आप आए हैं सर, आपको मैं तहे दिल से मैं स्वागत भी करता हूँ और सब जने की तरफ से आपको आने वाले दिनों में सबकी दुआ से, आप तो JDS में भी रहे, सब पार्टी का आपको पानी पी चुके हैं, वो बोलते हैं आड़ मुटद गिड़ा इलंता नी ओ इदु माडी तो राजकीय प्रवेश मिला मतलब मैं आपको मिला, वो बोलते वैसा है। तो इसके लिए तुम्हें खास करके हमारी तरफ से दुआएं करते हैं हम सभी प्रधान जिले वाले कि आप आने वाले दिनों में आइंदा इसके से आला से आला मुकाम तक पहुँचे और हमारी खिदमत करने की, हमारे कौम को और आपस से कहते लोगों को सबको भी साथ लेकर जाने की, आपकी जो मंशा हो चुका है उसे साथ देने का अल्लाह ताला तुम्हें मौका दे। क्योंकि आज सुबह ही हम लोग एक मठ को भी चले गए, जाके आए थे, वहाँ पे भी जाके विजिट करके आए, वहाँ पे जाके ऐसा हुआ कि वो बोले तो ताजुब होते ही कि स्वामी जी बैठ को बोलने वाले थे, उन्होंने बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोलने की जगह में इन्होंने जब चालू करे बोलने का तो स्वामी जी चुप भाई को छोड़ो एक घंटा बैठे कि इनकी बातें सुन लेते। तो बाद में उन्होंने बोले नहीं साहब आपसे मैं और एक बार मुलाकात करना है और दो घंटा काटना है, क्योंकि इंसानियत के नाते से आप जो चैनल को बोल रहे और हमारे जो इस्लाम का तरीका जो आप जो हमारे सभी को सिखाने का जो आप एक जोड़न कर रहे हैं उसके बारे में बहुत बड़ा काम है बोलते बोले। इसके लिए मैं आपको भी एक बार दुआई हमारे सब जने की तरफ से दुआ करते हुए मैं अभी आप जरा मीटिंग को लेना उनके अध्यक्षता सवाल।
मैं तीन अहम पॉइंट है, वैसे तो बहुत है लेकिन अहम तीन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें एक आपने जिक्र किया है वो ये कि कांग्रेस की हुकूमत में 108 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन को आरवी लोन के अंदर रखा गया था, माइनॉरिटी कमीशन 108 करोड़ एमडीसी में। और इस मरतबा जो है पूरा ये साल में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये रखा है। मैं आपको गलत कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान देता हूँ। देखिए बात है यानी कि आप 108 करोड़ बोले थे ना, 108 करोड़ भी उस टाइम में जो दिए थे, लेकिन लास्ट ईयर ही मैं बजट कम हुआ बोले तो भी 178 करोड़ में रिलीज कर चुका हूँ अरेबू की एजुकेशन के लिए खास करके, वो उसे कम नहीं हुआ है। और उसे आपको वो दिस ईयर आल्सो 24 करोड़ अरेबू के लिए दे चुके थे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अभी तक मैंने 22 करोड़ रिलीज किया हूँ सीएटी और नीट के माध्यम से हम लोग रिलीज कर चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में फ्रेशर्स और रिन्यूअल के लिए भी हम लोग इकट्ठा करके वो भी करने का वादा करके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी बात कही। अब दूसरा पॉइंट जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी हमारे यहाँ जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, ये आपका बहुत बड़ा है। और यहाँ पर हर पूरे शौक के ही जो है उसके अंदर उर्दू के लिए काम किया जाता है, नॉर्थ के लोगों को लिया ही नहीं जाता, खासकर बेलगाम बीजापुर के लोगों को भूल ही गए हैं। तो ये बात एक आप नोट कर लें। फिर तीसरी बात जो है कर्नाटक में हमारे औकाफ के जो जहाँ जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में या उसके जो चेयरपर्स नहीं है उसको बनाया जाए, उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, ये हमारा असल मुद्दा है। अब रही बात मैं एक साफ जनरली तौर पर ये कहूँगा कि हम जो है ना तो बीजेपी से डरने वाले हैं ना तो कांग्रेस से डरने वाले, हम सिर्फ अल्लाह की जात को डरने वाले हैं। लोग हमें धमकाते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बुरी है, बीजेपी बुरी नहीं है, ये हमारा यकीन है। और दूसरी बात, आज ही माइनॉरिटी के चेयरमैन आप आए करके बोल के, वरना मैं आज तक किसी बीजेपी के लीडरों से सलाम कलाम ये करना भी नहीं है, हालांकि मेरी दोस्ती थी हमारे यहाँ के सुरेश अंगड़ी साहब से, बहुत क्लोज दोस्ती थी, उसके बावजूद भी इनको आज मैंने चेहरे से देखा और हाथ मिलाया मुख्तार पठान साहब से, हालांकि आपके मोर्चे के हैं नूर अहमद, ये मेरे बहुत क्लोज हैं। एक वक्त इनकी वजह से ताज साहब को मैंने फोन किया था, याद है आपको भाई आपके सामने किया था, इनके बच्चे के इसके लिए बहुत इनके एरिया से कम 2 किलोमीटर तक कोई आसपास उसका नवा लगा के मैं इसके लिए सीरियसली कुछ करना सर। उसके बाद में हमारे जो है इन्हीं भी अच्छी तरह से जानते हैं हार्दिक पटेल साहब हमारे, और यहाँ पे सारे लोग हैं हमारे बाबूलाल हैं और हमारे पठान है, हमारे फैजुल्ला पठान है, सारे लोग हैं साहब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हुए 50 साल से अभी तक भी है, लेकिन इसमें से एक बात सबसे बड़ी अभी यहाँ पे अभी हमारा ये हो रहा है, तकलीफ ये हो रही है, इतने होने के बाद में एक मस्जिद की जगह मैं अपने लिए कभी पूछा नहीं, पॉलिटिक्स में रहने के बाद में भी कोई माइकल आपको मिल जाए, बी संग्राम साहब से लेकर जो है आप दादाजी क्या है आप क्या साहब तो हमारे हैं, उनके साथ क्या भी गुलाब शरीफ हो गया तो कुछ हो गया, मैनाटी में आपको लिया गया है, यहाँ पे मैनाटी के जब जिस टाइम में मसूद अहमद साहब आए थे बल्लारी के, उसके बाद में मैं कभी अभी तक कभी नहीं आया, मेरा आने का वाहिद मकसद ये है। ये आपको जो लेटर मैं आज देने जा रहा हूँ, ये लेटर जो है आज का ये 21वां लेटर है, कितना 21 21 लेटर लड़ाने को देने डिपार्टमेंट के निम्ब याव याव इधार अल्लाह नम रोशन बेग और बंदी दो आवागा जमीर अहमद साहब और बंदी दो और इनो सहा नम्मा राज्य मंत्री चीफ मिनिस्टर बंदी दो अल्लाह इवरो एच डी कुमार स्वामी और पट्टी देवी मत्तो सिद्धरामय्य और ये मन्ने मन्ने बंदी दो नम मान्य सीएम इब्राहिम साहब और इन कोटली सुमार ಇದು 21ನೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಯ ಮಾಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ
साहब को, कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन दे कि कहीं भी जो है इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो फायदा लेके जो है कोविड-19 का फायदा लेके काफी इंक्रोचमेंट हो गए हैं। और लास्ट जो है सेकंड सर्वे जो है, जरा समझ बैठो ना, बोलने दो हमारे मुल्ला साहब ने कहा अंजुमन के बारे में, ये कोर्ट के बाजू में रहते हैं कि 6 साल का परेड था, कोई परेड हो गया उसके अंदर कुछ नहीं था। शहर बेलगाम का वो वही अंजुमन है जो अल्हम्दुलिल्लाह परेड से लेकर गरीबों की खिदमत, स्कूल की तालीम और तरबियत, 3,000 बच्चे आज कौम मिलत पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ से करीब में 5 किलोमीटर पर बुढ़ा से 5 एकड़ जमीन ली गई है, वहाँ पर कम्युनिटी का बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, हाई स्कूल होगी, कॉलेज होगी, माइनॉरिटी का हॉल वहाँ पर चल रहा है काम। और दूसरी बात, सही बात फैजुल्ला भाई की, कि हुआ है नहीं हुआ है मालूम नहीं, 1 साल वहाँ बोर्ड से आया हुआ था कि इससे जो है एक टीम वहाँ के अंदर बॉलर अप्रूव करने के लिए भेजा जाए बोर्ड को, 3 महीने के अंदर पूरा जो है बॉलर्स के लिए अप्रूव के लिए भेजा गया है, उसके अंदर 5,000 रुपये फीस लगाई गई है, लेकिन बोर्ड जो भी तय करेगा इंशाल्लाह बेलगाम के अवाम उसे मानेंगे, इलेक्शन के जरिए से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव के जरिए से हो, जो भी हो, इसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा कौम मिलत का है, तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है, और वहाँ पर कोई बैठे हुए अहले गहरे लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिलत की खिदमत करने वाले लोग हैं।